मोदी 1971 युद्ध शहीदों ने याद कर विजय दिवस पर कहूं जवानों साहस ने सलाम। रक्षा मंत्री युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि आपी। पीएम नरेंद्र मोदी अने ओमान ना सुल्तान हैथम बिन तारिके प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करी। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा पर संबोधन कर्यु हतु। संसद पर सुरक्षा चूक ने लई राहुल गांधी निवेदन, कहू संसद पर हुमला पाछळनुं कारण बेरोजगारी, केन्द्र सरकार की नीति ने लीधे युवानो बेरोजगार। देशनी कोर्ट में 5 करोड़ केस पेंडिंग, कायदा मंत्रीए लोकसभा में कहू सुप्रीम कोर्ट में 80,000, हाईकोर्ट में 61 लाख थी वधु केस पेंडिंग। दिल्ली में गुजरात कांग्रेस नेताओं की मैराथन बैठक, 2024 की लोकसभा चूंटनी ने लेकर चर्चा, भारत जोड़ो यात्रा में बीजा तबक्का की चर्चा, बैठक में शक्ति सिंह गोहिल अमित चावड़ा हाजर। झारखंड कांग्रेस सांसदे धीरज साहू ने कहू 350 करोड़ रूपया मारा नहीं, बधा रूपया परिवार ना छे, तेने पार्टी साथ जोड़शो नहीं, आवकवेरा विभागे 10 दिवस दरोड़ा में करोड़ों जप्त कर्या था। कांग्रेस ने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कैम्पेन की जाहरात, देश माटे दान ना नाम थी क्राउड फंडिंग कैम्पेन की जाहरात, सांसद केसी वेणुगोपाले क्राउड फंडिंग कैम्पेन की जाहरात करी। राम मंदिर जवा इच्छता श्रद्धाळुओ माटे खुशखबर, जान्युआरी थी स्पेशियल ट्रेन दौड़ावाशे, रेलवे वधुमां वधु राम भक्तो अयोध्या पहुंची शके ते माटेनुं आयोजन करी रही छे। 22 जान्युआरी रोज अयोध्या खाते राम मंदिर नो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव योजाशे, कार्यक्रम में हाजरी आपवा राजकीय हस्तीओ थी मांडीने उद्योग जगत अने फिल्म जगत नी पण अनेक हस्तीओ ने आमंत्रण आप्युं छे। विश्व में सौथी जूनू स्वतंत्र राज्य ओमान ना सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय मुलाकात, आ मुलाकात थी भारत ने ओमान वच्चे मित्रता और द्विपक्षीय संबंधों मजबूत बन से। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी स्वागत करू। विजय दिवस की 52वीं वर्षगांठ निमित्ते समग्र देश में शहीदों ने श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम योजायो। 1971 युद्ध में पाकिस्तान ने कारमी हार नो सामनो करवो पड़ो हतो। 1971 ने ऐतिहासिक जीत, भारत बांग्लादेश नी लोही थी लखेली मित्रता नुं प्रतीक। अरबी समुद्र में कार्गो जहाज हाईजेक, सोमालियन पायरेट्स ए जहाज ने करू हाईजेक, भारतीय नेवी मदद माटे पहुंची, भारतीय नौसेनाए एंटी हाईजेकिंग टीम मोकली, भारतीय नौसेनाए अपहरण करायेला जहाजनु लोकेशन शोधी काढ्युं हतुं। केरल में कोरोना ना नवा सब वेरियंट JN1 एक केस नोंधाता, तबीब चिंता में, 79 वर्षीय एक महिला में कोरोना ना नवा सब वेरियंट ना लक्षणों जोवा मळ्या। राज्यना महानगर में इमिग्रेशन ऑफिस पर CID ना दरोड़ा, वडोदरा अमदावाद गांधीनगर में CID क्राइम ना दरोड़ा, डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट्स ना आधारे स्टूडेंट वीजा थी विदेश मोकलता हता, वीजा में कोई गैररीति थई छे के नहीं तेनी तपास थशे। वडोदरा में मोटी संख्या में डॉक्यूमेंट जप्त कराया, स्मित शाह की मालिकी इमिग्रेशन नामनी वीजा ऑफिस, लोगों ने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका न्यूजीलैंड मोकलता था, विविध डॉक्यूमेंट्स हार्ड ड्राइव DVR सर्वर जप्त कराया। CID क्राइम ना राज्यना 3 शहरों में दरोड़ा, वीजा एंटोना त्या CID क्राइम की 17 टीम ना दरोड़ा, अमदावाद अंबावाड़ी मणिनगर नारणपुरा में दरोड़ा, नवरंगपुरा और सोला विस्तार में दरोड़ा। गांधीनगर में CID क्राइम ना इन्फोसिटी कूड़ासण और चिलोड़ा में दरोड़ा, मोटी संख्या में बनावटी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट जप्त कराया, चिलोड़ा ने ऑफिस में 5 लाख रोकड़ा कब्जे कराया। अमदावाद में 6ठी एडवांसमेंट इन एंड्रोलॉजी कॉन्फरेंस में शाह हस्ते उद्घाटन, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल कॉन्फरेंस में हाजर रहा, कॉन्फरेंस में देश विदेश डॉक्टर्स से आपी हाजरी। 3 दिवसीय कॉन्फरेंस में यूरोलॉजी पर करशे चर्चा, संपूर्ण भारत तमने गर्व अने अभियान साथ जुए छे, अमित शाह संबोधन, यूरोलॉजी में भारत तबीबोए विश्व में डंको वगाड्यो। साणंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में अमित शाह हाजर रहा, 2047 सुधी भारत संपूर्ण विकसित बने ते माटेनी आ यात्रा, वडाप्रधान मोदी आ संकल्प ने सफल बनावानुं अमित शाहे संबोधन कर्युं। दरेक क्षेत्र की अंदर मोटू परिवर्तन आव्यु होवानुं शाहनुं संबोधन, एर स्ट्राइक करी पाकिस्तान ने पाठ बनावता पाकिस्तान हवे आतंकी हुमलो करवानी खो भूली गयुं छे।
आर्टिकल 370 हटावानुं पगलुं लेवायुं। वर्षोथी तंबूमां रहेता भगवान राम हवे मंदिरमां विराजमान थशे। सौथी वधु औद्योगिक विकास नरेन्द्रभाई सरकारमां थयो होवानुं अमित शाहनुं संबोधन। देश में प्रथमवार गुजरात में पियत सरकारी संघ की स्थापना। राज्य दरेक खेतर सुधी पानी पहुंचाड़वा लक्ष्यांक। खेडूतों ने सबसिडी, पियत सहकारी संघ मार्फते अपाशे पानी। राज्य में खेतर सुधी पाइपलाइन नाखवा माटे अपाशे सबसिडी। बंध तड़ाव बोरवेल थी खेतर सुधी पाइपलाइन नाखवा सबसिडी। 50-75% सुधी खेडूतों ने मळशे सबसिडी। खेडूतो वर्ष में 3 पाक लेता थाय ते माटे आयोजन। विपिन पटेल पियत सहकारी संघना एडवाइजरी अध्यक्ष। पंचमहाल में खनिज माफियाओनी करतूत। अधिकारीओनु लोकेशन ट्रेस करतु नवु ग्रुप सामे आव्यु। पंचमहाल, महिसागर अने दाहोद में पण अधिकारीओनी रेकी। गरवी गुजरात मददगार रंगीला राजा ग्रुप हाल एक्टिव। बनासकांठा जिला में खनिज चोरी नो अनोखो किस्सो। भूमाफियाओए सरकारी गाड़ी में लगावी दीधु जीपीएस ट्रेकर। खनिज माफियाओए टेक्नोलॉजी नो कर्यो उपयोग। अजाण्या शख्स विरुद्ध नोंधाई फरियाद। पालनपुर मानसरोवर फाटक विस्तार में 2 वर्षीय बाड़की मृतदेह मळवाना केस में प्राथमिक शाला में महिलाओं रजूआत करने पहुंची। तारानगर विस्तार में शाला में सीसीटीवी और पुलिस रक्षण आपवानी महिलाओं की मांग। विश्वास प्रोजेक्ट फेज 2 अंतर्गत सीसीटीवी लगावाशे। फेज 2 हेठ सूरत वडोदरा सहित अन्य 54 शहरों में 10,500 सीसीटीवी कैमरा लगावाशे। 2,000 जंक्शनों समावेश। आपना एमएलए चेतर वसावाने साथे राखी रिकन्स्ट्रक्शन करायो। पोलीसे चेतर वसावाना घरे खेतर में तपास हाथ धरी। वन अधिकारी पासे थी लीधेला 30,000 क्या छे ते पूछपरछ कराई। चेतर वसावा 40 दिवस क्या हता ते दिशा में पोलीसे तपास हाथ धरी। सूत्रापाड़ा भाजपना आंतरिक विखवाद। पक्षमांथी आवेला मेंटेडना नाम सामे नाराजगी। तालुका पंचायत में कारोबारी अध्यक्षनी वरणी मौकूफ रखाई। अमदावादना नवरंगपुरा खाते आवेला माउंट कार्मेल स्कूल खसेड़वानी रजूआत मामले डीईओ नी प्रतिक्रिया। डीईओ रोहित चौधरीए वालियों में स्कूल बंद थवाने लईने भय न फैलावा जणाव्यु। वडोदरा एसएसजी हॉस्पिटल में पीवाना पानी नी समस्या। प्रसूति वोर्डनू पानी पीवा लायक न होवाथी हालाकी सत्ताधीशोए मिनरल वोटरना जगनी व्यवस्था करी। राज्य में प्रदूषण ने कारण टीबी दर्दियों में वधारो। 1 वर्ष में टीबी दर्दियों में 70% वधारो। हृदय बाद हवे फेफसा पण नबड़ा पड़ी रहा है। वर्ष 2020 में 1 लाख की वस्ती है 173 टीबी दर्दी। वर्ष 2020 में 1 लाख की वस्ती है 213 टीबी दर्दी। छोटाउदेपुर में माइनोर केनाल में 3 जगह भंगाण। खेडूतोए स्वखर्चे केनाल समारकाम कर्युं। 10 फूट जेटलो खाडो खोदी पाइपलाइन समारकाम करायुं। ऊंझा एपीएमसी वाइस चेरमेन की पेढ़ी पर जीएसटी नी रेड। वाइस चेरमेन अरविंद पटेल की पेढ़ी पर जीएसटी दरोड़ा। तपास में स्टॉक फरक की आकरणी पेटे ₹13,800 दंड करायो। मेहसाणा कड़ीना थोड़ पक्षी अभयारण्य में कुंज नामनु पक्षी आयु। गत वर्षे 4 कुंज पक्षीओं ने जीपीएस लगवा आया था। जीपीएस लगवाला 4 पक्षी फरी आ पहुंचा थोड़ तला में। सौथी नानी उमरना आईपीएस सफीन हसने अंबाजी मंदिर में कर्या दर्शन। अंबाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा तेमनु स्वागत करवामां आव्युं। काले वडाप्रधान मोदी सूरत आवशे। पीएम मोदी डायमंड बूर्सनुं उद्घाटन करशे। पीएम मोदी नो मिनिट टू मिनिट कार्यक्रम जाहेर। 10:30 कलाके नवा बनेला एरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग करशे उद्घाटन। सूरत में काले वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी डायमंड बूर्स उद्घाटन करशे। ते पहला सूरत एरपोर्ट ने इंटरनेशनल एरपोर्ट नो दर्जो आपवामां आव्यो। जेनाथी उद्योगकारों अने हीरा वेपारीओ ने मोटो लाभ मळशे। सूरत डायमंड बूर्स उद्घाटन नो काउंटडाउन शुरू। सोना चांदी और हीरा थी डायमंड बूर्स की प्रतिकृति। 35 कारीगरों डायमंड बूर्स की प्रतिकृति तैयार करी। 2 किलो वजन की प्रतिकृति में 6,886 डायमंड नो उपयोग। सूरत एरपोर्ट आंतरराष्ट्रीय एरपोर्ट तरीके जाहिर थता सीएम भूपेन्द्र पटेले केन्द्र सरकार नो आभार मान्यो। कहूं पीएम अने नागरिक उड्डयन मंत्री नो आभार। सूरत एरपोर्ट आंतरराष्ट्रीय मुसाफरो माटे प्रवेश द्वार। गुजरात ना आर्थिक विकास ने पण वेग मळशे। राजकोट में भारत बेकरी में भेड़सेड़ नो पर्दाफाश। आरोग्य विभाग द्वारा लेवायेला नमूना फेल। भारत बेकरी ना एलची रस में सींथेटिक कलर की भेड़सेड़। भारत बेकरी सामे केस दाखल थयो।
जामनगर में पिज्जा खाता पहला सावधान, डोमिनोज पिज्जा माथी माखी निकली, जागृत नागरिक वीडियो करो वायरल, आरोग्य विभागे हाथ धरी तपास। एक तरफ खेडूतों ने भाव नहीं मिली रहा तो बीजी तरफ लोगों ने सस्ती डूंगळी पण नहीं मिली रही। हाल बजार में डूंगळी नो भाव 60 थी 70 रुपया प्रति किलो छे, त्यारे सवाल ए थाय छे के वच्चे नी मलाई कोण खाई रह्यु छे। डूंगळी नी निकास पर प्रतिबंध थी खेडूतो रस्ता पर, उपलेटा में खेडूतोए रस्ता पर डूंगळी फेंकी कर्यो विरोध, पोषणक्षम भाव न मळता खेडूतोए पारावार मुश्केली भोगवानो वारो आव्यो। मोहा मार्केट यार्ड में डूंगळी निकास बंधनो विरोध, मोटी संख्या में खेडूतोए यार्ड में पहुंची नोंधाव्यो विरोध, खेडूतो साथे कांग्रेस कार्यकरो पण जोड़ाया विरोध में, कांग्रेस कार्यकरोए गड़ेफासो खावानो प्रयास करता अटकायत कराई। भावनगरना गैरकायदे दबाण हटावता स्थानिकों में रोष, लोकोना टोळाए महानगरपालिका ने दबाण हटावता अटकाव्या, दबाण हटावा गयेली टीमनो लोकोए कर्यो घेरावो। सुरेन्द्रनगर जिला में आरोग्य की स्थिति कथड़ी होवानो एमएलए प्रकाश वरमोरा नो दावो, योग्य आरोग्य सुधारणा करी निर्णय करवा सूचनो। जूनागढ़ नकली डीवायएसपी केस में वधु खुलासा, आरोपीना अलग अलग बैंक खाता फ्रीज करवामां आव्या, राजकोट अमदावाद में पण तपास करवामां आवी, बैंक अकाउंट में 20 लाख रोकड़ा मळी आव्या। राजकोट में प्रद्युमन पार्क में प्राणियों माटे ठंडी ने लईने खास व्यवस्था, प्राणियों अने पक्षीओना पांजरा में हीटर अने गर्मी माटे लाइट नी खास व्यवस्था करवामां आवी, प्राणियोंना खोराक में पण फेरफार करवामां आव्यो। गांधीनगर में पाणीना ओज में पड़वाथी एकनुं थयुं मौत, नवा सरकारी मकान बनता हता ते साइटनो बनाव, गांधीनगर सेक्टर 6 में पोलीसे तपास हाथ धरी। डीशामां शॉपिंग सेंटरना खोदकाम वखते मजूर दटायो, अचानक दीवाल धराशयी थता मजूर दटायो, आसपासना लोकोए मजूरने बहार काढ्यो। द्वारकामां फरवा जता लोको माटे चेतवणी रूप समाचार, यात्राधाम द्वारकानी होटल गेस्ट हाउसनी नकली वेबसाइट बनावी ठगाईना कारस्थाननो पर्दाफाश, ठगबाजे फेक वेबसाइट बनावी दर्शनार्थीओ पासेथी पैसा पड़ाव्या। तालालामां वनकर्मीओए मार मारवाना केसमां जवाबदार कर्मीओ विरुद्ध कड़क कार्यवाहीनी स्थानिकोए करी मांग, कार्यवाही करवा मामलतदारने रजूआत करवामां आवी। साबरकांठामां 65 લાખના લૂંટ કેસમાં મોટો વણાક, ફરિયાદી યુવકે લૂંટનું તરકટ રચ્યું હોવાનું સામે આવ્યું, ફરિયાદી મુસ્તાક ખાને દેવું વધતા લૂંટનો ખોટો બનાવ ઊભો કર્યો હતો, પોલીસે ફરિયાદીની પૂછપરછ કરતા भांडो फूट्यो। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फवर्षा थता ठंडी वधी, श्रीनगर में तापमान नो पारो माइनस नी नीचे उतर्यो, पहलगाम में तापमान -5 डिग्री नोंधायो तो गुलमर्ग में तापमान -3.4 डिग्री नोंधायो। काजीगुंडमां तापमाननो पारो -2.8 डिग्री पर पहुंच्यो, श्रीनगरनुं प्रख्यात दल लेक ठंडीथी थीज्यु, दल लेक पर बरफनी परतो जामी, हजु पण ठंडी वधवानी हवामान विभागनी आगाही। ઉત્તરાખંડના અનેક વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા થતા ઠંડી વધી, ઉત્તરાખંડના કેદાર વેલી અને તુંગનાથમાં ભારે વરસાદ પર બરફ વર્ષા થઈ તો હિમાચલ પ્રદેશમાં લાહોલ સ્પીતિમાં પણ બરફની ચાદર પથરાઈ। ઉત્તર ભારતમાં હાડથી જોતી ઠંડી, દિલ્હીમાં તાપમાન 5 ડિગ્રીએ પહોંચ્યું તો દિલ્હીના અનેક વિસ્તારોમાં 4.9 ડિગ્રી તાપમાન, સફદરગંજમાં 4.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું। દિલ્હીમાં ઠંડી અને ધુમ્મસનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું, શુક્રવારનો દિવસ દિલ્હીમાં સીઝનનો સૌથી ઠંડો દિવસ રહ્યો, હિમાચલના શિમલાથી દિલ્હીનું તાપમાન નીચું, હરિયાણાના હિસારમાં 4.2 ડિગ્રી તાપમાન, હરિયાણામાં ધુમ્મસનું યલો એલર્ટ।
राज्य में ठंडी प्रमाण में आंशिक घटाड़ो। 24 कलाक में सौथी नीचो तापमान नलियानु नोंधायु। नलियानु तापमान 13 डिग्री नोंधायु तो कंडला में 17 डिग्री तापमान नोंधायु, ज्यारे डीसा में 14 डिग्री, भूज में 17 डिग्री तापमान नोंधायु। सुरेन्द्रनगर और केशोद में 18 डिग्री तापमान नोंधायु तो पोरबंदर और राजकोट में 19 डिग्री तापमान, जयर अमदावाद में 18 डिग्री, अमरेली और गांधीनगर में 16 डिग्री तापमान नोंधायु। ऑस्ट्रेलियानी नवी वीजा नीति पोस्ट ग्रेजुएशन लेवले 6.5 बेंड फरजियात, स्किल लिस्ट नो फायदो नहीं मळे। दर वर्षे गुजरात में 10,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ જાય છે। गाजा में चाली रहे युद्ध वच्चे इजरायल संरक्षण दलों मोटी भूल करी। इजरायले आईडीएफ प्रवक्ता डेलिनियन हगारीए कहू, इजरायल हमास द्वारा बंधक बनावामां आवेला तेमना ज त्रण नागरिकों पर गोळीबार कर्यो। सिंगापुर में एक अठवाडिया में कोरोना ना केस 56,000 ने पार। गया अठवाडिये आ आंकड़ो 32,000 हतो। देश में छेल्ला अठवाडिया में कोरोना ना केस में 75% नो वधारो नोंधायो। सिंगापुर में कोरोना थी लोको में भयनो माहौल। न्यूयॉर्क ना भूतपूर्व मेयर रूडीए बदनक्षी केस माटे दोषी ठेरव्या। गियुलियानी पर चूंटणी छेतरपिंडी नो आरोप लगावामां आव्यो। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहू, सीमा पार ना आतंकवाद ने कारण आपणे घणु सहन कर्यु, एटलू ज नहीं सरहद पार थी गैरकायदेसर हथियारों नी दाण चोरी थाय छे। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करवानु चलन वध्यु। आ वर्षे लोकोए स्विगी थी दररोज 207 पिज्जा ऑर्डर कर्या तो वेलेंटाइन डे पर दर मिनिटे 271 केक नो ऑर्डर अपायो। 2023 में स्विगी पर आ वर्षे सौथी वधु ऑर्डर बिरयानी ना मळ्या। देशना इन्फ्रास्ट्रक्चर पाछळ खानगी अने जाहिर रोकाण वधता देशनी स्टील मांग ऐतिहासिक सपाटीए। 2023 में बैटरी वॉल्यूम 7 मिलियन टन नी 6 वर्षनी ऊंची सपाटीए पहोंच्यु। विश्वना 200 देश में जीडीपी में भारत 129 क्रमे पहोंच्यु। लेनना रिपेंट निष्फळ जता चीन में लाखों लोन धारकों ब्लैकलिस्ट कराया। एफआईआई दैनिक 2700 करोड़ थी वधुनी खरीदी। अमेरिकन फेडरल रिजर्व द्वारा व्याजदर में जाळवणी राखवाना निर्णय बाद भारतीय शेयर बजार में बेंचमार्क इंडस्ट्रियल सेंसेक्स थता निफ्टी 25 ऊंचाई पहुंची। सरकार फरी एक बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में रोकाण करवानी तक आपी रही है। ईपीएफओ में महिला कर्मचारियों की संख्या वधी 28.69 लाख नोंधाई। राज्यभर में वीजा एजेंटों ने त्या सीआईडी दरोड़ा। 37 पासपोर्ट, 182 पासपोर्ट की नकल जप्त करवामां आवी।